अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं ढाबा मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है, दैट इज़ वी विल बी सॉल्विंग MCQs ऑफ चैप्टर होम्योस्टेसिस फ्रॉम आवर न्यू बायोलॉजी बुक जो कि सिंध की आई है। और क्लास 12 की न्यू बायोलॉजी बुक के MCQs हैं, चैप्टर होम्योस्टेसिस है। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं, अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी। एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो बंदा खुद ब खुद कर रहा है, जो बॉडी खुद करती है। किस लिए करती है? ताकि अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। क्यों? वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है प्रॉपर होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है जो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, चाहे इन कंडीशंस कुछ भी हों, उससे उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इट इज़ कंसर्न इसके, उसे अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो होम्योस्टेसिस का आंसर है एक्सक्रीशन, तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट होता है। ऑस्मोरेगुलेशन भी स्टेबिलिटी होती है, बट वो सिर्फ वाटर के लिए होता है। बायोलॉजिकल रिदम, तो क्या बायोलॉजिकल रिदम पता है क्या होती हैं? आपकी बॉडी में एक, जिस तरह आपकी आपके घर में घड़ी होती है ना, सेम इसी तरह आपकी बॉडी में भी एक बिल्कुल एक टाइमली सिस्टम है। यानी कि ये समझ लें कि आपकी बॉडी में एक घड़ी वाला सिस्टम मौजूद है जो कंट्रोल करता है कि आपको किस टाइम नींद आनी है, किस टाइम नींद नहीं आनी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिदम है जो आपकी स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। किसको? स्लीप यानी सोने और जागने की साइकिल को बायोलॉजिकल रिदम कंट्रोल कर रही होती है। ओके, विच डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टेसिक कंडीशन, रादर इट इंटेंसीफाई द चेंज दैट इज हैपनिंग टू द बॉडी। इनमें से कह रहे हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो होम्योस्टेटिक कंडीशन को मेंटेन नहीं करती, उसको स्टेबल करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि जो भी चेंज आती है ये उसको इंटेंसीफाई कर देती है चेंज को, जो बॉडी के साथ हो रही होती है। तो हमने पढ़ा था फीडबैक सिस्टम के बारे में, और हमने कहा था फीडबैक सिस्टम की दो टाइप्स हैं। एक ऐसा फीडबैक सिस्टम है जो चेंज को सप्रेस कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उसको हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। इंटेंसीफाई नेगेटिव फीडबैक सिस्टम नहीं करता। फीडबैक सिस्टम तो इंटेंसीफाई भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। एक्सक्रीशन रिमूवल है अनवांटेड वेस्ट का। पॉजिटिव फीडबैक एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा होम्योस्टेटिक सिस्टम है जो क्या करता है, आपकी बॉडी में आने वाले चेंज को इंक्रीज कर देता है। तो पॉजिटिव फीडबैक इसकी एग्जांपल है। और इसकी एग्जांपल में हमने ये पढ़ा था कि आपकी बॉडी में जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, प्लेटलेट आपकी यानी कोई इंजरी हो गई, वहाँ से खून बहना स्टार्ट हो गया, फिर आपकी बॉडी वहाँ पर एक क्लॉट बना देती है। जब एक क्लॉट बनता है तो उसके नतीजे में एक प्लेटलेट आता है, फिर जब एक प्लेट यहाँ पर चिपक जाता है ना, बाकियों को भी सिग्नल देता है। तो एक के होने की वजह से पीछे और बहुत सारे प्लेटलेट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट बहुत बेहतरीन बन जाता है। ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में होने वाली चेंज को इंटेंसीफाई कर देता है। अब एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ये अगर क्लॉटिंग होती रहे तो फिर आपकी पूरी बॉडी में क्लॉट्स बन जाएंगे जो कि नुकसानदेह हैं। तो देखा, इसने इंटेंसीफाई कर दिया ना एक चीज़ को, कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ इंटेंसीफाई कर दिया, यानी कि उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। आपको क्लॉटिंग के लिए सिर्फ यहाँ पर क्लॉट बनने की ज़रूरत थी। ये तो थैंक्स टू योर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कि जब ये क्लॉट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, जब क्लॉट्स ये पूरा कंट्रोल हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, फिर आपकी बॉडी सिग्नल भेजती है कि भाई पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रुक जाओ, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। वरना पॉजिटिव फीडबैक की क्या बस चले तो ये तकरीबन आपकी पूरी बॉडी के अंदर ही ये क्लॉटिंग करते। MCQ नंबर 3 है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होती है उनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं लोकेटेड इन दियर गिल्स एंड स्किन, विच एक्टिवली एक्सट्रैक्ट सोडियम एंड क्लोराइड एंड कैल्शियम आयन फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम एंड एक्सक्रीट हाइड्रोजन एंड बेसिक बाइकार्बोनेट आयन फॉर एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड आर कॉल्ड। ऐसे कौन से स्पेशलाइज सेल्स हैं जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की गिल्स और स्किन में होते थे, मैंने आपको पढ़ाया ये टॉपिक, और वो क्या करते थे, सोडियम और क्लोराइड को बाहर से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते थे, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि फ्रेश वाटर हैं तो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली इनकी इन्वायरमेंट जो होगी हाइपरटोनिक होगी, और हाइपरटोनिक से पानी आएगा इनकी बॉडी में, क्योंकि इनकी बॉडी हाइपरटोनिक है। जब अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो इनको सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए इनकी स्किन में और इनके गिल्स में स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और बायकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन को ये एक्सक्रीट करते रहते हैं, ताकि इससे एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन हो और मिनरल बैलेंस भी मेंटेन हो। इसको क्या कहते हैं, उनको हम कहते थे आयोनोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी के डिफेंस में काम आते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट भी इस तरह डिफेंस में काम आते हैं। पोडोसाइट्स ये वो होते हैं जो कि आपकी लाइक ये ग्लोमेरुलस है ना,
ग्लोमेरुलस के ऊपर ये पोडोसाइट मौजूद होते थे, तो बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अहम रोल प्ले करते हैं। यानी कि पोडोसाइट्स ना, अगर ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है तो उसके ऊपर एक पोडोसाइट, एक और होगा, एक और होगा, बीच में हल्का सा गैप होता है। इस हल्के गैप से बिल्कुल छोटे पार्टिकल जा सकते हैं, और जो प्रोटीन जिनका साइज बहुत बड़ा होता है उनको नहीं जाने देते, तो ये पोडोसाइट्स का काम होता है। तो इसका आंसर क्या था हमारा? आयनोसाइट्स, ये स्पेशल सेल्स हैं जो सोडियम वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं। रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन। अच्छा, आपकी किडनी के दो पार्ट थे ना, अगर मैं इस तरह किडनी बनाऊँ रफली, तो मैंने कहा किडनी के दो पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर पायरामिड वगैरह होते थे और बाहर वाला पोर्शन होता था। बाहर वाले पोर्शन को हम क्या कहते थे? रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को रीनल मेड्यूला। अब कह रहे हैं रीनल कॉर्टेक्स में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट हार्मोन बनती है जो कि रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस कराती है, ठीक है। ऐसी कौन सी हार्मोन है जो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर बनती है, उस हार्मोन के बनने की वजह से रेड ब्लड सेल्स बनना ज़्यादा हो जाते हैं, वो है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का काम होता है रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस को बढ़ाना, और ये बनती कहाँ है? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर बनती है। ये भी मैंने फंक्शंस ऑफ किडनी वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया। थ्रोम्बोपोइटिन क्या होती है? थ्रोम्बोपोइटिन का बिल्कुल अलग काम है, आप ये समझ लें। थ्रोम्बोपोइटिन जो है ना वो प्लेटलेट्स बनाती है, ठीक है। थ्रोम्बोपोइटिन प्लेटलेट्स वगैरह बनवाने का हुक्म देती है। ल्यूकोपोइटिन जो है वो ल्यूकोसाइट्स। रेनिन क्या है? रेनिन का काम है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, और रेनिन भी आपकी किडनी से ही रिलीज होती है। उसका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ठीक है। जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना, तो ये रिलीज होती है और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, ओके। कह रहे हैं जो ग्लोमेरुलस है उसके ऊपर एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं विच आर रैप अराउंड ब्लड कैपिलरीज दैट प्ले एक्टिव रोल इन प्रिवेंटिंग प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम एंटरिंग द यूरिन अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ऐसे कौन से सेल होते थे जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के ऊपर लगे होते थे और बड़े बड़े प्रोटीन्स को एस्केप नहीं होने देते थे, ताकि वो बड़ा बड़ा प्रोटीन जो है वो आपके यूरिन के अल्ट्रा फिल्ट्रेट में ना चले जाएँ। अभी तो मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, दैट इज़ पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स वो सेल होते थे, उसका आंसर पोडोसाइट्स है। कह रहे हैं जो ट्यूब्यूल्स होते हैं दे सिक्रीट आयन सच एज हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन इन टू फिल्ट्रेट वाइल रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट। कह रहे हैं कुछ ट्यूब्यूल्स हैं जो क्या करती हैं? हाइड्रोजन आयन को, पोटेशियम आयन को और अमोनियम आयन को सिक्रीट करती हैं फिल्ट्रेट के अंदर, बल्कि और वहाँ से बाइकार्बोनेट आयन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कौन सी ट्यूब्यूल्स में काम होता है? ये बेसिकली कह रहे हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का काम ना। तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो है दो जगह पर होती थी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल में, और ज़्यादातर ये प्रॉक्सिमल में होती है। और जो ये हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन का ज़्यादा सिक्रीट होना है ना फिल्ट्रेट में, ये आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। तो इसका आंसर होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल में होता है बट कम होता है, इसमें लेस होता है, बट जो ज़्यादातर होता है वो इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इन विच प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन ग्लोमेरुलस की वॉल। कह रहे हैं अगर एक ग्लोमेरुलस की वॉल है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? मतलब हमने पढ़ा था ना कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जो होता है, इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं एनदर कंपाउंड देयर इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इनर मेड्यूला। इनर हमने पढ़ा था कि लूपो फेनले होता है, ठीक है, ये लूपो फेनले हो गया, और इसके अराउंड ये पूरा मेड्यूला का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। अब हमने कहा था मेड्यूला के एनवायरनमेंट के अंदर हमने ना कुछ ऐसे केमिकल डाल देते हैं, लाइक सोडियम डाल देते हैं, क्लोराइड डाल देते हैं, पोटेशियम डाल देते हैं, जो क्या करते हैं पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाना, यानी कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जब ये इंक्रीज़ कर देंगे तो पानी इनकी तरफ आएगा, तो वो तो करते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ कह रहे हैं एक और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने में एक और केमिकल रूज होता है, वो कौन सा है? दैट इज़ यूरिया। ये हाई यील्ड पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि यूरिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो कि आपके मेड्यूला के अंदर मौजूद होता है, और वहाँ पर ज़्यादा वाटर अट्रैक्ट करता है। इसको कहते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाना। द इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू इरीटेशन ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड। हमने किडनी के इन्फेक्शन पढ़े थे, उसमें मैंने इन्फ्लेमेशन बताया था कि किडनी की जो इन्फ्लेमेशन होती है ना किडनी स्टोन्स की वजह से, किडनी स्टोन्स की वजह से, उसको हम लिथोनेफ्राइटिस कहते हैं। लीथो का मतलब होता है देखो स्टोन्स, और नेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। तो स्टोन्स की वजह से जो किडनी की इन्फ्लेमेशन है उसको लीथोनेफ्राइटिस कहते हैं। आपको जहाँ पर भी लीथो का लफ्ज़ नज़र आए समझ जाना वो स्टोन्स के बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं इफ़ सराउंडिंग इन्वायरमेंट बिकम हॉट और अ पर्सन डू स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी। अगर बाहर की इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर ये ब्लग बंदे की बॉडी है और बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, तो बाहर की टेम्परेचर बढ़ जाए या बंदा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले तो उसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी एंड रेजिज द बॉडी टेम्परेचर। जो अंदर हीट प्रोड्यूस होगी इसकी बॉडी के, वो अंदर पैदा होगी और वो टेम्परेचर बढ़ा देगी सूटेबल लिमिट से भी ज़्यादा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, ठीक है,
ऐसी कौन सी लाइक ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो आपकी बॉडी में होगा और आप अंदर से हीट प्रोड्यूस करोगे अंदर से, ठीक है? इफ़ सराउंडिंग एनवायरनमेंट बिकम हॉट और अ पर्सन डू स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी, जो हीट प्रोड्यूस होती है इन साइड द बॉडी एंड इट रेजिज द बॉडी टेम्परेचर अबव सुटेबल लिमिट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। तो ये मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया था, ठीक है, जिसमें हमने टेम्परेचर रेगुलेशन पढ़ा है, हमने एंडोथर्म्स के बारे में पढ़ा, हमने एक्सोथर्म्स के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसा फिनोमेना जिसमें आपके बॉडी के अंदर हीट पैदा हो उसको एंडोथर्म कहते हैं, ठीक है। बट एंडोथर्म तो यानी एंडोथर्म का मतलब तो सिर्फ हीट का पैदा होना, लेकिन अगर वो हीट बॉडी का टेम्परेचर एक लिमिट से बढ़ा दे तो उसको हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो हाइपरथर्मिया एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हीट चाहे अंदर से पैदा हो जहाँ से भी पैदा हो बट उससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसको हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी अगर सराउंडिंग हॉट हो जाए या पर्सन फिजिकल एक्टिविटी करे और उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए नॉर्मल लिमिट से, इसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर भी कोई इशू होता है मुझे कमेंट कर दिया करें, आई विल ट्राई कि मैं उनके क्वेश्चन के आंसर भी अपलोड कर दूँ, ठीक है, कि मैं बल्कि हाँ। सो इनशाला आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, फिर आई विल बी नाउ मेकिंग वीडियोज़ ऑन अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इनशाला मैं आपको बहुत डिफरेंट डायग्राम्स के जरिए वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर 16। तो इनशाला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और डू शेयर विद अदर्स, दैट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।